जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुभाष शेखर। देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, गैस, पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतें, और झारखंड के लिए सबसे बड़ा इशू है इसका विरोध करना। सरकार के जितने भी दल हैं, चाहे तो जेएमएम हो, कांग्रेस हो या फिर राजद हो, इनके नेता सड़कों पर इसका पुरजोर विरोध करते हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोलते हैं। वहीं जब यहाँ पर मानसून सत्र चलता है तो यहाँ पर पूरा मानसून सत्र नमाज को लेकर हंगामा होता है और आम मुद्दों की चर्चा नहीं होती है। लेकिन झारखंडी जो यहाँ के मूल वासी हैं, आदिवासी हैं, वो अपने कुछ मुद्दों को लेकर यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। इनकी शिकायत है कि जो मैनिफेस्टो में जेएमएम ने, कांग्रेस ने और राजद ने वादा किया, वो वादा पूरा नहीं हो रहा है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनकी मांगें क्या है और किन बातों को लेकर ये चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले सर बताएंगे कि आप लोग यहाँ पर किस तरह की बैठक कर रहे हैं और कौन कौन से संगठन के लोग यहाँ पर हैं। देखिए, पिछले 30 अगस्त को हमारी बैठक हुई थी विभिन्न संगठनों का, झारखंड के आदिवासी मूलवासी के शीर्ष संगठनों की बैठक, प्रतिनिधि सभा उस दिन भी हुई थी, आज भी उसका दूसरा बैठक है। उस बैठक को हमने संशोधित कर दिया है, उस बैठक का भावना को राज्य के मुख्यमंत्री को स्मारक पर कर दिया है। इसमें हम लोग को करना है कि आज की बैठक में हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं। रणनीति में ये तैयार किया है, अभी तक हम लोग की एक छानबीन कमेटी बनेगी, दस्तावेजी बनाने की कमेटी बनेगी और दस्तावेज तैयार करेगा कि स्थानीय नीति के संबंध में हम लोग का क्या सोच है, क्या भावना है, जनाकांक्षा की को रेखांकित करेगा। इसको हम लोग करके फिर 25 तारीख के पूर्व में मुख्यमंत्री से कोशिश करेंगे कि दस्तावेज को हम उसके पास रखें प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से, और 25 तारीख को बहुत बड़ी बैठक हमारे होने वाली है जिसमें यहाँ के यूथ वर्ग भी रहेगा, विभिन्न संगठन और बृहद संगठन, सैकड़ों संगठन के लोग को बनाने की बात, और इसके बाद हम रणनीति तैयार करेंगे। हेमंत सरकार को मैंने कहा है और सूचित करना चाह रहे हैं कि आप जब भाजपा के साथ गठजोड़ सरकार में थे तो स्थानीय नीति को कह के आपने उसे अलग हुआ कि वो नहीं आपको प्रशय दे रही थी, लेकिन अब जब आपकी बारी आई, फुल फ्री सरकार बनी है तो 1.5 साल से अधिक हो रहे हैं, आपने अभी तक नहीं बनाया, इससे सारा राज्य के लोग चिंतित हैं, यहाँ के बुद्धिजीवी चिंतित हैं, सामाजिक अगुवागण चिंतित हैं, यहाँ के जन नेता लोग चिंतित हैं, लेकिन सरकार इस पर पहल नहीं करी है, इससे बहुत दुखित है राज्य की जनता। अब उनको हम लोग स्मारित करेंगे अभी तुरंत और मिल के बात करेंगे कि अब इन बिंदु पर कितना दिन में काम करें। हमारा ये आंदोलन आज निर्णय करने में अभी करेगा कि 15 नवंबर तक आपने अगर इसको नहीं किया तो हम जन आंदोलन खड़ा करने के लिए बाध्य हो जाएंगे पूरे राज्य में, ये हमारा निर्णय है। तय हो चुका है 15 नवंबर तक का अल्टीमेटम है। अंतु जी, आप बताएंगे कि जब जेएमएम के मैनिफेस्टो में सब कुछ तय था और वही देख कर आप लोगों ने उनका समर्थन किया, वोट कराया, फिर ये स्थिति अब क्यों उत्पन्न हो गई है? यही तो बड़ी चिंता की बात है कि पिछले चुनाव में चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो हो, कांग्रेस हो, राजद हो, इन सभी लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में ये एक बात कहा था कि हम सरकार में आते ही बहुत जल्द हम स्थानीय नीति को परिभाषित करेंगे, यहाँ का नियोजन नीति बनाएंगे। इन सभी बातों को लेकर उन्होंने जनता के बीच गया और जनता को लगा कि ये हमारा अपना सरकार बनेगा और ये सरकार से ही हमें न्याय मिल पाएगा। ये सोच के तहत सभी लोगों ने एक साथ मिलकर माननीय हेमंत सोरेन जी के पक्ष में उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी लोगों ने वोट किया। लेकिन अब 2 साल होने को है सरकार का, लेकिन अभी तक ये नहीं हो पा रहा है, अपनी बातों पर वो खरा नहीं उतर पा रहे हैं। तो अब हम लोगों को यहाँ के आदिवासी हो, यहाँ के मूलवासी हो, यहाँ के अल्पसंख्यक हो, यहाँ के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सभी लोग का एक मत यह हुआ है कि अगर 15 नवंबर तक वो अपने बातों पर खरा नहीं उतरते हैं और स्थानीय नीति और क्या कहते हैं नियोजन नीति नहीं बनाते हैं तो हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। जोरदार आंदोलन के साथ हम लोग अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार को बाध्य कर देंगे। अल्टीमेटम के बाद आंदोलन की भी बात की जा रही है और यहाँ पर आदिवासी के साथ साथ मूलवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी हैं। राजू महतो हमारे साथ हैं। राजू जी, बताएंगे कि
ये जो स्थिति है, आदिवासी मूलवासी सब अब एक हो रहे हैं, एकजुट हो गए हैं, तो अब ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? झारखंड राज्य आदिवासी और मूलवासियों का है और राज्य के निर्माण में भी आदिवासी मूलवासियों ने अपनी महती भूमिका अदा किया है और इनकी एक सपना भी था, लेकिन सपनों के अनुसार से यहाँ के जो राजनेताओं ने, झारखंड आंदोलनकारियों ने, यहाँ के पुरखों ने, शहीदों ने, सबों ने एक सपना देखा था कि अलग राज्य बनेगा तो यहाँ के लोगों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और जो अवसर का द्वार खुलता है वो पहला है स्थानीय नीति। सर्वनाक स्थिति बन गया है कि जो भी राजनेता हैं अभी तक स्थानीय नीति नहीं बनाने के लिए, बनाने में वो लोग सारे लोग जिम्मेवार हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे आजसू हो, सारे लोगों ने जब सत्ता का खेल होता है तो देखते हैं मलाईदार विभाग के लिए अड़ जाता है और वो पहला प्राथमिकता हो जाती है और देखते हैं सब मलाईदार विभाग में जाते हैं। लेकिन यही स्थिति है, लेकिन 20 सालों में सब मलाई लेने में रहे लेकिन स्थानीय नीति बनाना किसी के एजेंडा में नहीं शामिल हुआ। इसलिए आज आदिवासी मूलवासी जनता जो भी है हम लोग बहुत अपने को ठगे महसूस कर रहे हैं। इसलिए सरकार भी यही कर रही है, अभी तक तो यही जिस तरह से दिख रहा है ना कि वर्तमान सरकार भी 2 साल हो गए ना, 2 साल में आप स्थानीय नीति आप भी नहीं बना रहे हैं, आप घोषणा पत्र में केवल कहते हैं, भाषणों में सिर्फ कहते हैं लेकिन अभी तक लागू नहीं किए। और स्थानीय नीति बनाने की दिशा में भी आप निश्चित रूप से यहाँ के आंदोलनकारी संगठन जो भी स्थानीयता के लिए आंदोलन कर रहे हैं उन लोग के साथ एक वार्ता करिए और वार्ता करने के बाद एक कॉमन डिसीजन करके उसके बाद घोषणा जारी करिए। ऐसा नहीं कि रघुवर दास की तरह आप ऐसा घोषणा कर दिए कि एकदम पूरा जन विरोधी नीति घोषणा कर दिए, उस तरह सर्वनाक स्थिति मत। अगर हेमंत सोरेन भी बिना वार्ता किए हुए बिना सहमति किए हुए अगर करेगा तो अगर जन विरोधी अगर स्थानीय नीति वो भी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि उसके सरकार में भी कुछ लोग आदिवासी मूलवासी विरोधी हैं और प्रभावकारी भूमिका में हैं, अगर वो भी आदिवासी मूलवासी के भावना के विपरीत अगर करते हैं तो निश्चित रूप से इनका टूटा फूटा या गलत बनाएंगे तो निश्चित रूप से फिर आंदोलन होगा। कर्मा सर, आपसे आखिरी सवाल। सर, आप लोग यहाँ पर सब एकजुट होकर बैठक कर रहे हैं काफ़ी अहम मुद्दों को लेकर, लेकिन सरकार के जो पार्टी है, राजनीतिक दल के लोग अक्सर केंद्र सरकार को घेरने के लिए महंगाई, पेट्रोल गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर घेरते हैं, क्या उस मुद्दे से ये जो मुद्दा है, आप लोगों का जो मुद्दा है कितना बड़ा है? हम लोग का ना महंगाई से मुद्दा है ना देश से मुद्दा है, हमारा मुद्दा है झारखंड से, झारखंड के माटी को रक्षा करना, झारखंड के भूमि पुत्रों के अधिकार को रक्षा करना और उनके जो कारोबार हैं, व्यवसाय हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, उनके सामाजिक है, सांस्कृतिक जीवन है, जीवन शैली की रक्षा करना, उनकी भाषा को रक्षा करना और यहाँ का जो चीज है स्थानीय नीति डिफाइन करो और हमको अपना यहाँ का अधिकार दो, सामाजिक न्याय दो, नेचुरल जस्टिस को अवार्ड करो। हम बात कर रहे थे यहाँ जो बैठक हो रही है इसका मुद्दा क्या है और ये कितना महत्वपूर्ण है, अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पूरे मसले को कितनी गंभीरता से लेती है। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लोकल खबर।